नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। रुक करते हैं खबरों की ओर। विधानसभा चुनाव 2022 के लिए गाजीपुर में ओम प्रकाश राजभर ने अपने समर्थकों के साथ नामांकन करने के लिए पहुंचे। नामांकन के दौरान पुलिस ने सभी समर्थकों को रोक लिया। बता दें कि जहूराबाद विधानसभा सीट से सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी समाजवादी पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी ओम प्रकाश राजभर ने नामांकन किया। ओम प्रकाश राजभर के साथ सिबकतुल्ला अंसारी और सुनीता सिंह ने भी नामांकन पर्चा दाखिल किया। ओम प्रकाश राजभर करीब 12 बजे नामांकन कक्ष में पहुंचे और 4 सेट में नामांकन किया। वहीं सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर नामांकन स्थल सहित आसपास के इलाकों में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रही। आप भी सुनिए ओम प्रकाश राजभर ने क्या कुछ कहा। जब मैं मुख्यमंत्री बनवाया और पूर्वांचल से 125 सीट जीतवाया भाजपा को, तब भाजपा के लोग कहते ना कि हमारे बदौलत जीतल हुआ राजभर, हमके घबरामा जीत गयी। 17-18 का बजट अलाट होता है। पहला 7 लाख बच्चे होते हैं सामान्य वर्ग के छात्र छात्रा, 25 लाख बच्चे होते हैं पिछड़ी जाति के। 7 लाख को 700 करोड़ और 25 लाख को भी 700 करोड़, वही भेदभाव शुरू हुआ। हमारा पंगा वहीं शुरू हो जाता है। और 5 साल तक लगातार भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ों का छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति नहीं दिया और सामान्य वर्ग को दिया। ये भेदभाव उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया और किया। 69,000 शिक्षक भर्ती, 68,000 शिक्षक भर्ती, आपके 70,234 भर्ती, सारे शिक्षक भर्ती में 27% आरक्षण पिछड़ों का, 22.5% आरक्षण दलितों का योगी जी ने लूट लिया, भारतीय जनता पार्टी ने लूट लिया। जब बच्चे गए लखनऊ की हमारा हिस्सा लूटा जा रहा था, पुलिस से पिटवा दिया। उसके बाद बच्चे चले गए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जांच हुई, जांच में रिजल्ट आ गया कि 23,000 पद पिछड़ी जात और दलित का लूटा गया। ओई जाई महाराज, आज तक काली से नामांकन शुरू है। बनारस में शिवपुर जीतेंगे, बनारस में अजगरा जीतेंगे, बनारस में पिंडरा जीतेंगे, सेवापुरी जीतेंगे, रोहनिया जीतेंगे, बनारस में उत्तरी जीतेंगे, बनारस में दक्षिणी कैंट जीतेंगे। दुइये पर लड़ाई है। जब मैं तो आपने सुना, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी ओम प्रकाश राजभर ने जहूराबाद विधानसभा सीट से नामांकन भरने के बाद क्या कुछ कहा। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।